देर रात घर के बाहर से टॉयलेट करने गई किशोरी को घायल अवस्था में मक्का के खेत में मिली परिजनों ने दुष्कर्म की जताई आशंका। परिजनों ने एक युवक पर लगाया आरोप, किशोरी गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सदर कोतवाली के एक गांव का मामला। बताओ क्या मामला है? बस यही पेशाब की लड़की गई रात में 12-1 बजे और वहीं से उठा लिए गए और करीब करीब 5-4 बजे उसको बिल्कुल बुरी हालत में मकई में डाल के भाग गए, हम लोगों ने देख नहीं पाया। तो क्या लग रहा है लड़की को जब देखा है तो किस हालत में आपने देखा है? बहुत बुरी हालत में थी, चक्कू ये लगे और खून बह रहा था, यानी सीरियस हालत में थी, बोल नहीं सकती। उसको लेकर फिर अस्पताल ले गए जिला, जिला में वहाँ ले गए तो उन्होंने रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज, मेडिकल से कानपुर। तो कोई जैसे दमंग ले गए आपको पोती को, कोई गलत काम किया है कुछ ऐसा लग रहा है? हाँ, गलत काम किया। इसमें कितने लोग हैं? अब वो लड़की बता सकती है इस बात को। किसी पर आपको शक है? ये होंगे तो वो खुद ही एक आदमी पकड़ जाएगा, मैं जो बताया हमने तो वो खुद कबूल देगा। आलम, आलम, हाँ आलम। आलम के साथ और भी हैं? हाँ वो भी होंगे। हम तो उस समय मेरी तो हालत ही खराब। नहीं, क्या आपको शक लग रहा है कि आलम के साथ और लोग भी हो सकते हैं? हाँ, सकते हैं। तो इस घटना को लेकर अभी तक पुलिस मौके पर पहुंची या नहीं? हाँ पहुंच गई, दो बार आ चुकी सुबह से। लड़की आई थी करीब 12 साल की थी, अचेत अवस्था में थी, उसके सर पे चोट थी और उसके अलावा भी कुछ छोटी थी, तो प्राथमिक उपचार देकर गंभीर अवस्था देखते हुए मेडिकल कॉलेज सेवा के लिए रेफर किया गया। सर कौन लेके आया था? परिजन लाए थे उसके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।